39वीं कहानी यीशु उपर मुकदमा चलता है। हुण ये अद्धी राती दा समां हा। उह सैनिक यीशु गी महाजाजक दे घर लईए आए क्योंकि उह यीशु कन्ने सवाल करना चाहुंदा हा। पतरस दूरां उहदा पीछा करादा हा। जिसले सैनिक यीशु गी घर च लईए ते पतरस बार बलगीए अग सेकण लगी पिया। घर दे अंदर यहूदी अगवे ने यीशु उपर मुकदमा चलाया। ਉਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀ ਗੱਲਾਂ ਗੀ ਬੋਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹੀ ਬੋਲਣੇ ਆਲੇ ਗੀ ਲਈ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੰਨੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰੀ ਯਹੂਦੀ ਅਗਵੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਅੰਤ 'ਚ ਮਹਾਜਾਜਕ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਦਿਖੀ ਆਖਿਆ, ਅਸੇ ਸੁਣਾ ਕਿ ਕੇ ਤੂੰ ਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਸੀਹ ਹੈ। यीशु ने आख्या, आऊं ऐ ते तुस मिकी परमेश्वर कन्ने बैठे दा ते स्वर्ग च उदे कन्ने भी दिखगे। महाजाजक ने अपने कफड़े फड़विड़े किके जे यीशु ने आख्या ओ उस गल पर बड़ा गुस्सा हा ते ओ दुए अगवे उपर कर लाया, असें ए साने आस्ते कुसे और गवाही देने अले दी लोड़ नहीं है कि इस माणु ने के कीता है। तुसें आपूं गे उसी ए आखदे सुनी लेता है कि वह परमेश्वर का पुत्र है। उहदे बारे च थोड़ा के फैसला। सारे यहूदी अगवे ने महाजाजक की जवाब दिता, वह मरने दे जोगे है। उस वेले यीशु की अखी उपर पट्टी बनुड़ी, उहदे उपर थुकिया, उसी मारिया ते उहदा मजाक उड़वाया। ते पतरस जिसले वह घर दे बार बलगा दा हा, उस वेले एक नौकरानी कुड़िए उसी दिखिया। उसने उसी आख्या, तुम्मी यीशु दे कन्ने हा। पतरस ने मना करी दिता। बाद च कुसे दुई कुड़िए इये गल आखी ते पतरस ने भी मना करी दिता। अंत च किश लोकें आख्या, अस पता कि तू यीशु दे कन्ने हा कि के तुस दमें गलील कोला ना। उस वेले पतरस ने आख्या, अगर आऊं इस माणुए गी जानदा है ते परमेश्वर मी श्राप दे। उस वेले के पतरस दे इस तरह कन्ने कसम खाने दे बाद एक कुकड़ ने बांग दिती। यीशु ने पिछे मुड़िए पतरस गी दिखिया। पतरस उंथुआ गया ठी ते डुसकी डुसकी रोया। उसे बेले यीशु गी पकड़वाने आले यहूदे ने दिखिया कि यहूदी अगवे ने यीशु गी मौती दी सजा दिती है। यहूदा बड़ा दुखी होइया ते जाइए अपने आप की मारूड़िया। हुण उस देश दा राज्यपाल पिलातुस हा। वो रोम देश आस्ते कम करदा हा। यहूदी अगवे यीशु गी उदे कोल लेई आए। वो चाहते हे कि पिलातुस उसी मौती दी सजा दे ते उसी मारी देन। उस वेले पिलातुस ने यीशु गी पुछया कि तू यहूदियां दे राजा है। यीशु ने जवाब दिता, तो सच गै आख्या है, लेकिन मेरा राज्य इत्थे धरती उपर नहीं है। अगर हुंदा ते मेरे दास मेरे आस्ते युद्ध करदे। आऊं धरती उपर परमेश्वर दे बारे च सच सुनाने आस्ते आयदा। हर एक जन जेका परमेश्वर कन्ने प्यार करदा है वह मेरी सुनदा है। पिलातुस ने आख्या, ते सच के है। यीशु दे कन्ने गल करने दे बाद पिलातुस ने बार भीड़ दे कोल जाइए आख्या, आऊं ऐसा कोई भी कारण नहीं पाना कि यह माणु मारे जाने दे लायक होए। लेकिन यहूदी अगवे ते भीड़ ने कर लाइए ये आख्या, इसी क्रूस उपर चढ़ाई उड़ो। पिलातुस ने जवाब दिता, वह किश भी करने दा दोषी नहीं है। लेकिन वह होर भी जोरिए करलाण लगे। उस वेले पिलातुस ने त्री वारी आख्या, वह दोषी नहीं है। पिलातुस डरिया कि वह भीड़ लड़ाई शुरू करी देनी, इस करी वह सैनिक थमां यीशु गी क्रूस पर चढ़ाने आस्ते मन्निया। रोमी सैनिक ने यीशु गी कोड़े लुआए ते उसी राजा आले कपड़े लुआए ते उहदे सिरे उपर कंडे दा बना मुकट रखिया। उस वेले वह ये आखिए उहदा मजाक उड़ाण लगे, देखो यहूदियां दा राजा।